हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने उसको एंड भी कर लिया था। हमने उसमें पढ़ा था दो हमारे लो होते हैं, वन वाज लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सेकंड हमारा जो लो था वो हमने बाद में करना था। लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने कर लिया था। सेकेंड हमारा होता है रिटर्न्स टू स्केल, जिसमें हम आइसोपॉइंट कर्व बनाते हैं। हमने ये 11th लेवल तक का मतलब एक बेसिक आइडिया तो ले लिया था, लेकिन अब हम इसमें कुछ ग्राफिकल डेरिवेशंस करेंगे। मतलब ग्राफ के थ्रू हम टीपी में से एमपी और टीपी में से एपी निकालेंगे और उसके बाद हम लोग 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल से अलग होती हैं। मतलब उसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी फर्म है वो अपना डिसीजन कैसे लेती है कि उसे आगे प्रोडक्शन करना चाहिए या उसे आगे प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन। ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब कि हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमारा टीपी होगा। टीपी हम सबको बनाना आता है। यहाँ पे हम किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। और हम यहाँ किसको शो करते हैं, आउटपुट को। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मतलब टीपी बनाते हैं। ये हमारा क्या है, टीपी। हम इस टीपी से अब हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने टेबुलर तो देखा था कि हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, जैसे कि एमपी का हमने फॉर्मूला पढ़ा टीपी एन माइनस वन। या हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी लेबर की चेंज हुई है। अब हम ग्राफिकल डेरिवेशन करते हैं। ये मार्कर ही बंद हो गया, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। ये हमारा टीपी है। ठीक है, हम ग्राफिकली ड्राइव करने के लिए टीपी से एमपी को, एमपी पे कोई भी कहीं भी 3 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लो 1 पॉइंट ये दिया, लेकिन 1 पॉइंट अब हम वहां ही लेंगे जहां पे हमारा टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारा टीपी मैक्सिमम कहाँ है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, 1 पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, हम जो हमने टीपी पे कोई भी पॉइंट लिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट लिए, सपोज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, हम यहाँ पे एक टेंजेंट डालेंगे। हम यहाँ पे एक टेंजेंट डालेंगे, वो टेंजेंट का स्लोप जो है, जो टीपी का यहाँ पे जो स्लोप है ना, टीपी का जो यहाँ स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप उसके इक्वल होगा। टोटल प्रोडक्ट का स्लोप क्या होता है, सबसे पहले तो चलो यही देख लो। टोटल प्रोडक्ट का स्लोप होता है, किसी भी चीज का स्लोप निकालना है ना, सिंपल सी बात याद रखो, एक्स एक्सिस पे जो है, वाई एक्सिस पे जो है, चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे जो भी है, मतलब चेंज इन आउटपुट, और हम यहां क्या लेते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम टीपी को शो कर रहे हैं तो हमारा यहाँ टीपी होगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे क्या है, यूनिट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। किसी भी चीज का स्लोप निकालना हो हमेशा यही निकलेगा, चेंज इन जो भी हमने वाई एक्सिस पे लिया है, चेंज इन जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, हमने टोटल प्रोडक्ट बना रखा है तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट किसको शो करती है, टोटल प्रोडक्ट। फिर नीचे क्या होगी, हमारी लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट का स्लोप क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। जो पी पॉइंट पे हमारा टोटल प्रोडक्ट का स्लोप है, उसी स्लोप जितना हम एक टेंजेंट डालेंगे जो कि पी पॉइंट से पास होगा। सपोज दिस इज ए बी, हमने एक टेंजेंट डाली जो कि पी पॉइंट से पास हो रही है।
ठीक है, सेम हम क्या करेंगे क्यू पॉइंट पे करेंगे, एक टेंजेंट डालेंगे जिसका स्लोप क्या होगा, जिसका स्लोप इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू पे जो स्लोप है टीटी का उसके इक्वल। तो इस पॉइंट का नाम कुछ और दे देते हैं, ठीक है सी डी दे दो इसका नाम। सेम हम यहां डालेंगे, अब देखो यहां पे टीपी क्या है, अपने मैक्सिमम पे है, टीपी अपने मैक्सिमम पे है, तो जहां टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है, जहां टीपी मैक्सिमम पे होता है वहां उसका स्लोप जीरो होता है, उसका स्लोप क्या होता है जीरो, जहां टीपी मैक्सिमम पे होता है वहां स्लोप जीरो होता है। अब इसमें ये सिंपली ये भी देख सकते हो, देखो टोटल प्रोडक्ट का स्लोप हमने क्या लिया, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, और ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है एमपी का, जब हमने टेबल करी थी जब हम पढ़ के आए थे, सेम फॉर्मूला किसका है एमपी का, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट का जो स्लोप होता है, टोटल प्रोडक्ट का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है मार्जिनल प्रोडक्ट के, ठीक है। तो जहां टीपी मैक्सिमम पे है वहां हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, इसीलिए जो यहां से टेंजेंट पास होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है जीरो, आर पॉइंट पे हमारा स्लोप जीरो है, तो यहां से स्ट्रेट लाइन एक टेंजेंट पास होगी। सपोज इस टेंजेंट का नाम आप कुछ भी रख लो, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हमने पॉइंट्स लिए, पॉइंट से एक टेंजेंट पास की, उन टेंजेंट का स्लोप इक्वल लिया हमने उस पॉइंट पे जो टीपी का स्लोप है, फिर हम उन पॉइंट से को एक्स एक्सिस से मैच करेंगे, अभी मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, मतलब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन लाके फिर हम क्या करेंगे, एक हम लेबर क्या लेंगे कम, एक हम लेबर कम लेते हैं, मतलब यहां पे जितनी भी लेबर है, यहां पे हम कितनी लेबर यूज कर रहे हैं ओ एम, और एमपी क्या होता है कि चेंज इन लेबर, लेबर में चेंज होने की वजह से टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज आया तो हमको चेंज दिखाना है, तो ओ एम लेबर यूज हो रही है, इससे एक यूनिट कम लेबर हम लेंगे सब, तो मान लो एक यूनिट कम इतनी है, ठीक है ओ एन, तो हमारी ओ एन लेबर ली हमने, ओ एम ली, ठीक है यहाँ पे हमारी ओ एम लेबर थी, हमें एक यूनिट लेबर कम लेनी है हर पॉइंट पे, यहां से भी एक यूनिट कम ली लेबर, अगेन यहां से भी एक पॉइंट पे यूनिट कम ली, फिर ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट के पैरेलल इससे हर एक यूनिट से हमें एक लाइन डालनी है इस लाइन के ऊपर जो कि इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो यहां डलेगी, इसके पैरेलल लाइन यहां डलेगी और इसके पैरेलल यहां डलेगी, तो इसको ये मैच कर दिया, ठीक है ये बिल्कुल इसके पैरेलल यूं जाएगी। उसके बाद जो हमारी यहां लाइन डलेगी, एक यूनिट हमने क्या ली लेबर कम ली, फिर जो हमारी यहां से लाइन डलेगी वो हमारी इस वाली टेंजेंट की क्या होगी पैरेलल होगी, ये देखो समवट यूं पैरेलल जा रही है ना बिल्कुल, तो हमारी कुछ ऐसे पैरेलल जाती हुई दिखेगी हमको, ठीक है। फिर अब हमें इसके पैरेलल, इसके पैरेलल तो क्या जाएगी सिंपल यूं ही तो जाएगी क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तो पैरेलल इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो ये पॉइंट यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर जब हम इन पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, जब हम इन पॉइंट्स को जॉइन करेंगे तो हमको एक कर्व मिलेगी, ठीक है ये हमें एक कर्व मिली और यही कर्व है हमारी एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हमने टोटल प्रोडक्ट से ग्राफिकली एक कर्व निकाल ली जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है, देखो जब तक हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही है, उसके बाद हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट
घटनी यहां से शुरू हुई जब हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से घटना शुरू हुआ। फिर जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे था, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमको मार्जिनल प्रोडक्ट मिल गई। अब हम दोबारा एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर तीन पॉइंट्स ले लेते हैं, तीन लो चार लो, वैसे तीन लो सिंपलिस्टिक, लेकिन एक पॉइंट आपको वहां जरूर लेना है जहां टीपी मैक्सिमम है, ताकि हमारा एमपी क्लियर जीरो पे शो हो सके। फिर हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पे टीपी का जो स्लोप है, क्यू पॉइंट पे टीपी का जो स्लोप है, और आर पॉइंट पे टीपी का जो स्लोप है, उसके टेंजेंट एक लाइन डालते हैं उस पॉइंट से, जो कि हमने यहाँ ए बी डाली। ए बी का जो स्लोप होगा वो पी पॉइंट के स्लोप के इक्वल है, सी डी का जो स्लोप है वो क्यू पॉइंट के स्लोप के इक्वल है, आर टी का जो स्लोप है वो आर पॉइंट के। अब हमारा आर पॉइंट पे हमारा स्लोप जो है वो क्या है, जीरो, तो इसीलिए हमारी स्लोप जीरो है, तो स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पे, जो कि आर टी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, सॉरी इसका नाम कुछ और रख दो क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी आर नाम रख रखा है, चलो इसका नाम मान लो क्यू रख दिया। ठीक है, तो जो हमने क्यू टी लाइन डाली उसका स्लोप आर के स्लोप के इक्वल है, मतलब जीरो स्लोप है दोनों का। उसके बाद हमने एक यूनिट लेबर कम ली, जैसे हमने ये इस हर एक पॉइंट को फिर हम एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, मैच करेंगे। ये हमने मैच किया, एम पे मैच हुआ, फिर हमने यहां मैच किया। ठीक है, तो यहां पे मान लो एफ पे मैच हुआ, यहां जी पे मैच हुआ। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन डालते हैं, इस यहां पे जितनी लेबर है उससे एक यूनिट लेबर कम करके, एम से हमने एक यूनिट लेबर कम की एन, एफ से एक यूनिट लेबर कम की एच। ठीक है, जी से हमने एक यूनिट लेबर कम की मान लो आई, मतलब पहले हम ओ एम लेबर यूज कर रहे थे, एक यूनिट लेबर कम की ओ एन हो गई। ओ एफ यूनिट यहां थी, सेकंड पे जब ये एक्स एक्सिस से मिला तो ओ एफ यूनिट ऑफ लेबर थी, एक लेबर हमने कम की यूनिट ओ एच, यहाँ ओ जी यूनिट ऑफ लेबर थी, एक यूनिट हमने कम की ओ आई। फिर हम क्या करते हैं, उन पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं इसके पी एम पे, क्यू एफ पे और आर जी पे, हम एक टेंजेंट डालते हैं और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो इसके इक्वल होता है, मतलब इन शॉर्ट हम पैरेलल एक लाइन डालेंगे, ए बी के पैरेलल एक लाइन डाली हमने, जैसे हमने ये लाइन डाली। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे हमने इसके पैरेलल ये वाली लाइन डाली, ये टेंजेंट जा रही है। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन डाली जो कि इस पे कट कर रही है, जो कि यहां कट कर रही। ठीक है, फिर हमको जो पॉइंट मिले हमने उन सबको ज्वाइन कर दिया और हमारा एमपी बन गया। तो ये थी ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम करते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। अगेन टीपी तो बनाना ही पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा बोर्ड। अब हम क्या बना रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट, अगेन कोई भी तीन पॉइंट लो, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने जैसे उसमें स्लोप लिया था क्योंकि हमको पता था कि जो टीपी का स्लोप होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, लेकिन हम यहां पे क्या करते हैं, स्लोप नहीं लेंगे हम, पहले ये पूरा कर दें। हम ओरिजिन से एक एक लाइन डालेंगे सिंपली हर एक पॉइंट पे। अभी मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, फ्री हैंड थोड़ा सा, लाइन टेढ़ी भी हो सकती है तो वो तो ठीक है। तो हमने एक ठीक है, तो हम एक एक लाइन डालते हैं, यहां मैच हो गई,
ठीक है ठीक है, और यहां से हम फिर वहां तक डालेंगे। ठीक है, तो हमारे ये लाइन डल गई। हम इन पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट एंड दिस इज आर। फिर हमने सेम क्या करना है, एक्स एक्सिस से मैच। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट डाली थी जिसका स्लोप, फिर उसी के स्लोप के इक्वल हमने यहाँ लाइनें पैरेलल्स डाली थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगेन एक एक यूनिट हम कम लेंगे। यहाँ एम थी मान लो एन ओ, ठीक है, एक एक यूनिट हमने कम ली। यहाँ जी आ गया, दिस इज एच, एक एक यूनिट हमने लेबर की कम कर दी। फिर उससे हम एक लाइन डालेंगे जो कि पैरेलल होगी किसके, ये वाली लाइन पैरेलल होगी ओपी के, ये वाली लाइन पैरेलल होगी ओ क्यू के, और यहां से यहां जो लाइन डलेगी वो पैरेलल होगी ओ आर के। इसके पैरेलल देखो बिल्कुल पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, सॉरी ये वाली इसके पैरेलल है, और ये वाली हमारी इसके पैरेलल जा रही है। फिर हम जो हमारे अब तीन पॉइंट्स आए हैं उन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन कर देंगे। सॉरी और फिर हमको एक कर्व मिली ए पी एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट में हमने स्लोप देखा था, इसमें हम स्लोप नहीं देखते। हमने उसमें स्लोप क्यों देखा था, क्योंकि हमको पता है टोटल प्रोडक्ट का जो स्लोप होता है वो हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जब हम स्लोप से कुछ भी ग्राफिकली बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो मार्जिनल प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ हम स्लोप नहीं देखते, हम यहाँ सिंपली एक लाइन डालेंगे, वहां से एक एक यूनिट कम की और उसके पैरेलल हमने एक लाइन डाल दी, और ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ गया। देखो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था वो हमने जीरो टच किया था, लेकिन हमारा एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक्स एक्सिस को टच किया था, कभी भी इसको एक्स एक्सिस को टच नहीं करता हमेशा। और ये देखो इसने एवरेज प्रोडक्ट ने टच भी नहीं किया हमारा। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की डेरिवेशन भी हो गई, एवरेज प्रोडक्ट की डेरिवेशन भी हो गई। अब हम करते हैं थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या करेंगे, थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और वो जब तक बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, हमारा वो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से तब तक बढ़ता है जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो आता है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। फर्स्ट स्टेज हमारी वहीं खत्म हो जाती थी जहां मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन होता था और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होता था, वहां हमारी फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती थी। लेकिन थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा अलग है, कैसे अलग है वो देखो। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसमें से फिर आपको समझ इजीली आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे पहले बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, और फिर मैक्सिमम होता है, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से, फिर ये मैक्सिमम, और ये डाउन। तो हमारा समथिंग ऐसे बनेगा, ये टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बनाते हैं हम। जहां हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो हमारा यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। और जहां हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होता है वहां हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ हुआ, पहले तो ये बढ़ रहा था, यहां तक बढ़ा और उसके बाद घटना शुरू हो गया, फिर हमारा एवरेज प्रोडक्ट आता है। ये हमारा ऐसे एवरेज प्रोडक्ट बनता है। अब हमारी पहले क्या होती थी, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होती थी, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड दिस इज नेगेटिव रिटर्न्स। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ना हम कॉस्ट से भी देखते हैं। ठीक है, हमारा क्या होता है, जैसे आपने कॉस्ट वाला चैप्टर भी देखेंगे आगे देखा है कि जब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो हमारी कॉस्ट कम होती है, जब हमारा प्रोडक्शन क्या होता है कम होने लगता है तो हमारी कॉस्ट क्या ज्यादा आने लग जाती है। तो हमारा जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो हमको कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि वो कॉस्ट सब चीजों में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो हमारा पहले क्या था, दिस इज हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स थी, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स थी, यहाँ नेगेटिव रिटर्न्स थी। लेकिन इसमें अब एक वो होता है कि एक प्रोड्यूसर है, वो सोचता है, जो प्रोड्यूसर है वो ये सोच रहा है कि उसने यहाँ इस स्टेज तक प्रोडक्शन किया, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लग गया, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है एवरेज प्रोडक्ट, इस पॉइंट तक एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। भले ही एमपी डाउन चला गया, टीपी ने डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। हमने एवरेज प्रोडक्ट क्या पढ़ा था, कि हर लेबर से हमको एवरेज कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, तो हर लेबर से हमको एवरेज जितना प्रोडक्शन मिल रहा है वो क्या हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। मतलब हर एक लेबर हमको एवरेज प्रोडक्शन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है। तो जब तक हमको हर लेबर से एवरेज प्रोडक्शन जब तक हमको ज्यादा मिल रहा है, तब तक हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यहां तक होगी, हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहां तक है, यहां तक। और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन अभी भी यही है, लेकिन हमारी स्टेजेस चेंज हो गई। क्या स्टेजेस चेंज हो गई, अब हमारी फर्स्ट स्टेज ये होगी, सेकंड स्टेज ये, और ये हमारी थर्ड स्टेज। पहले हमारा फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता था और टोटल प्रोडक्ट बढ़ता था और इंक्रीजिंग रेट से। अब हमारा फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ भी रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट कम भी हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ भी रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम भी हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से भी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से भी बढ़ रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें पहले टोटल प्रोडक्ट यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। लेकिन एक सेकंड स्टेप, मतलब एक सेकंड सब स्टेज आती है, किसमें, फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ भी रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम भी हो रहा है। जब जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, कम का हो रहा है इस स्टेज, इतना इतनी देर मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है फर्स्ट स्टेज में।
और हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है इस एरिया में। तो फर्स्ट स्टेज में हमारे दोनों ही केस आ रहे हैं। सेकंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट वही डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है सेकंड स्टेज में, तो सेम है, ठीक है। थर्ड स्टेज भी सेम है, लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज ने सेकंड स्टेज का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, मतलब लो वेरिएबल प्रोपोर्शन ने थोड़ा सा इसका पार्ट ले लिया। पहले सिर्फ यहाँ पे एमपी बढ़ता था, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता, लेकिन अब यहाँ पे एमपी बढ़ भी रहा है, फिर थोड़ी देर बाद एमपी घट भी रहा है, और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ भी रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से घट भी रहा है। अब हमारी फर्स्ट स्टेज क्या हुई, जहां पे फर्स्ट स्टेज हमारी कब तक है, जब तक क्या हो रहा है हमारा, टिल देन एपी इज इंक्रीजिंग, जब तक हमारा एपी इंक्रीज हो रहा है तब तक हमारी फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज कब आई, जब हमारे एपी ने डिक्रीज होना शुरू कर दिया, ये डिक्रीज हो रहा है एपी। थर्ड स्टेज फिर हम एमपी से ही डिनोट करेंगे, जब हमारा एमपी जीरो हो गया, उसके बाद हमारी नेगेटिव हो गया, क्या नेगेटिव, उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज शुरू हो गई, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब ये स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आई क्यों, ताकि फर्म अपना डिसीजन ले सके कि उसको प्रोडक्शन करना है या नहीं। अब हर एक फर्म जो है अलग अलग तरह की होती है, किसी का एम होता है प्रॉफिट कमाना, किसी का एम होता है सेल मैक्सिमाइज करना। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फिलहाल, कॉस्ट मिनिमाइजिंग फर्म, मतलब वो फर्म जिसका एम है, जिसका मोटिव है, जो चाहती है कि उसकी कॉस्ट कम से कम लगे, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो चाहती है उसकी कॉस्ट कम से कम लगे। थर्ड और सेकंड स्टेज में क्या वो थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन करेगी, जब वो लेबर लगा रही है उसका एडिशनल प्रोडक्शन लेबर का जीरो जा रहा है, मतलब लेबर लगा रही है प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेबर वो लगा रही है प्रोडक्शन कम हो रहा है, जितना होना चाहिए वो तो दूर की बात है, ज्यादा तो छोड़ो कम हो रहा है। तो आप कोई ऐसा करेगा कि उसको फायदा नहीं हो रहा वो फिर भी लेबर लगाए, और उसका मोटिव भी क्या है कि कॉस्ट कम से कम लगना, अब वो लेबर लगाएगी तो लेबर को भी कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगी, फालतू में कॉस्ट ही बढ़ेगी और प्रोडक्शन तो पड़ ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि कम और हो रहा है। तो थर्ड स्टेज में तो कॉस्ट मिनिमाइजिंग फर्म जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही बढ़ेगी, प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, इवन प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट तो बहुत दूर। फिर अब हम सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट भी कम, मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट तो भाई फर्स्ट स्टेज में भी कम हो रहा है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट तो अभी भी यहाँ फर्स्ट स्टेज में बढ़ ही रहा था ना, मतलब कि अगर उसने एक लेबर लगाई, भले ही उसका लेबर का एडिशनल प्रोडक्शन, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट भले ही कम है, मतलब उसने जो हमको एडिशनल बेनिफिट दिया, उस लेबर ने जो हमको एडिशनल बेनिफिट दिया वो भले ही कम है, लेकिन उसका एवरेज प्रोडक्शन, लेकिन उसका एवरेज प्रोडक्शन अभी भी क्या है, इंक्रीज। तो हमारी जो कॉस्ट मिनिमाइजिंग फॉर्म है वो फर्स्ट स्टेज तक ही प्रोडक्शन करेगी, सेकंड स्टेज में आते ही, मतलब जब उसकी एवरेज प्रोडक्शन, मतलब उसने लेबर लगाई, लेबर से जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो गया, वो वहां जाप का बंद कर देगी। तो जो कॉस्ट मिनिमाइजिंग फॉर्म है वो फर्स्ट स्टेज में अपना प्रोडक्शन ही रखेगी, सेकेंड स्टेज स्टार्ट होते ही उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सो इस तरह फॉर्म्स अपना डिसीजन लेती है इन थ्री स्टेजेस के बेस के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये वीडियो सिर्फ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ही थी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।